अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां पर कर्मकुटी पूजन हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गीता में कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं साधुओं का परित्राण करने और दुष्कृतों का नाश करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। तो इस समय तो ऐसा कहा जा सकता है कि साधु ही अभी दुष्कृतों का श्री राम के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि वे सभी को मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दो धागे श्री राम के लिए हेरिटेज एंड हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, गायत्री पीठ बास संस्थान हम्पी कर्नाटक के पीठाधिपति पूज्य स्वामी दयानंदपुरी जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवा और वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री सुरेश जी भैया जी जोशी जी, इस पूरे कार्यक्रम की जो संयोजिका है हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती अनघा कैसास, अध्यक्ष हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट श्री विनय पत्रालय जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव, मैं आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, पूज्य स्वामी दयानंदपुरी जी, आदरणीय भैया जी जोशी जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का इस पवित्र कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ। कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है।
और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी से राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बनाकर के लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हों, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे दिव्यत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया, यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। मित्रों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आज यहां पर प्रभु लगभग 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में, राम तो परमपिता परमेश्वर है लेकिन लोक आस्था और जन विश्वास कि पुनर प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बहाने प्रभु का एक मूर्त रूप फिर से वहां पर रामलला के रूप में, राम जन्मभूमि में राम भक्तों को दुनिया की दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त होगा। और इस देश से दो धागे श्री राम के नाम, इस भाव के साथ अनघा जी ने जो ये प्रयास किया है, उन्होंने बोला ना कि वस्त्र तब बनता है जब ताना और बाना के बीच में, ओत और प्रोत के बीच में समन्वय होता है। और ये समन्वय भी है राम भक्ति का, ताना है तो हैंडलूम का बाना भी है। राम भक्ति का ये ताना हैंडलूम यानी हस्तशिल्पी, हस्तशिल्प परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो एक फिल्म मेकर थी, डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, देश में घूमती थी, दुनिया में घूमती थी, अपने डॉक्यूमेंट्री को कैसे हाईलाइट करना है इसके बारे में कुछ नए विजन के साथ सोचती थी, देखती थी, कार्य करती थी। लेकिन उसमें अंतःकरण की संतुष्टि नहीं थी। अंतःकरण की संतुष्टि तो इस बात को लेकर के थी कि आखिर मैं समाज को दे क्या रहा हूं, देश के लिए क्या कर रही हूं, क्या यही हमारी जिम्मेदारी है, क्या यही तक हम अपने आप को सीमित कर दिए हैं। और तब उनके मन में आया कि हैंडलूम के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए जहां से हमारे वस्त्र बनते हैं। और दो हैंडलूम से कार्य प्रारंभ किया, आज 110 हैंडलूम उनके पास है, और जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हो।
तो राम तो हमारी धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों के माध्यम है। आप मुझे बताइए राम जैसा कोई नाम है जिसके नाम पर केवल नाम मात्र से ही आजीविका चलती है, लाखों कथा व्यास आज भी राम कथा के माध्यम से लाखों लोगों को 7 दिन 9 दिन और कई कई महीनों महीने भर इस अभियान के साथ जोड़ करके रखते हैं। और हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है अगला प्रसंग क्या है, लेकिन कथा व्यास के श्रीमुख से कथा सुनना एक नए आनंद के साथ उस व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से उत्प्रोत कर देता है। मैं देखता हूं कुछ तो ऐसे हैं जो राम कथा जहां भी होगी वे अवश्य 2 घंटे 3 घंटे, आज जब परिवार में व्यक्ति 5 मिनट नहीं बैठना चाहता, आप देखो ना कैसा वातावरण है। एक परिवार में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, उन 6 के पास अपने अपने स्मार्टफोन होंगे, सब उसमें दिन भर लगे रहेंगे, सबकी गर्दन नीचे होगी और सब नीचे होंगे, सब जो है एक समय आएगा जब लोगों में एक डिप्रेशन भी होगा और गले की बीमारी का भी और उसकी तमाम प्रकार की उसके शिकार होंगे, आई साइट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो दिन भर बैठ करके घुमाते रहेंगे, क्या देखते हैं मैं समझ नहीं पाता, मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता मैं क्या देख रहे हैं दिन भर एक स्मार्टफोन पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि वही लोग जो परिवार में 5 मिनट बातचीत मिल करके नहीं कर सकते, कथा में जाते हैं 3-3 घंटे बैठ करके भगवान के नाम का भजते हैं, वो 3 घंटे उनके जीवन के सबसे अमूल्य घंटे होते हैं, एक नई ऊर्जा के होते हैं, एक नई सकारात्मक दिशा देने के होते हैं। राम नाम संकीर्तन के साथ पूरा देश जुड़ जाता है, पूरा मोहल्ला जुड़ जाता है, पूरा नगर जुड़ जाता है, रामलीलाओं में पूरा गांव जुड़ जाता है, पूरा नगर जुड़ जाता है। अब याद करिए हर साल उन तिथियों में उस गांव में या हर गांव में रामलीलाओं का आयोजन होता है, हर वर्ष होता है, पात्र महार बाहर से नहीं आते, ज्यादातर गांव में गांव के ही लोग, अलग अलग उम्र के लोग अपना संवाद तैयार करके रखते हैं, रामलीलाओं का आयोजन स्वयं करते हैं, सरकार पर उनकी निर्भरता 0, लेकिन उसके नाम पर बहुत सारे लोगों की आजीविका भी चल लेती है। तो राम तो हमारी आर्थिकी के भी प्रतीक हैं, धर्म के, रामो विग्रहवान धर्म तो है ही, अर्थ हमारी आर्थिकी के प्रतीक की भी है, हम सबको एक नई प्रेरणा देने वाले भी हैं और मुक्तिदाता भी हैं। तो राम के नाम पर 2 धागे से राम के नाम, आज यहां पे जो वस्त्र अनघा जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यहां पर प्रदान किए गए हैं, यह निश्चित ही हैंडलूम संस्कृति को एक नई दिशा देगा और लोगों के मन में एक नया भाव अवश्य आएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अनघा जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वे स्वयं यहां आई और यहां आकर के उन्होंने इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का वहां पे अयोध्या में दर्शन किया। अब तो अयोध्या जाने के लिए तो हर व्यक्ति इच्छुक है क्योंकि अब नए भारत की नई अयोध्या आ चुकी है, जाके देखो ना अयोध्या, लखनऊ से बहुत आसान हो चुका जाना। हम लोग 22 के कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने जा रहे हैं, 35-40 मिनट में आप अयोध्या पहुंचेंगे और जहां एलिपेड बनाए जा रहे हैं वहां से 5 मिनट में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये सेवा भी वहां प्रदान होने जा रही है,
इसके अलावा रोड की कनेक्टिविटी, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। रेलवे लाइन पहले मीटर गेज की थी, अब ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन रेल वहां जोड़ चुकी है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन का हो चुका है। विश्वास ही नहीं करेगा कि ये वही अयोध्या है क्या। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 821 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में तैयार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज संचालित होगा, एक कल्पना थी लेकिन आज वास्तविकता है। पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी की परिक्रमा को अब कोई रोक नहीं सकता है। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा, अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे, हम सब इसका आनंद लेंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु राम का जीवन एक ही संदेश देता है, धैर्य और संयम के साथ मर्यादित आचरण करना, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है, पूरी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है, अयोध्या को अयोध्या के अनुरूप बनाने, संवारने और उसको ले जाकर के पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नए संदेश को आगे बढ़ाना है। अनघा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी को, हम्पी से पधारे हैं पूज्य स्वामी दयानंद पुरी जी महाराज, और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पूर्व सरकारवाह आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी, जिनके प्रेरणा से कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं हृदय से इन सबको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार के आयोजन को करते हुए उत्तर प्रदेश के हथकरघा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों बुनकरों के लिए एक नया आत्मनिर्भरता का संदेश भी प्रभु राम के माध्यम से दिया है, उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के रामलला के पावन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रति आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय सीताराम। हृदय से धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाग